तो ये रहा पैशन प्रो BS6 बाइक का इंडिकेटर, फिटिंग कैसे करना है पूरी वीडियो आप लोग देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज। आज मेरे पास हीरो की पैशन प्रो BS6 बाइक है और इस बाइक में इंडिकेटर फिटिंग करना है। कैसे करना है वो मैं आप लोगों को वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। ये रहा नया इंडिकेटर जो हम इसमें फिटिंग करने वाले हैं, क्योंकि इस बाइक का इंडिकेटर फिटिंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें नट बोल्ट है नहीं, बहुत प्यार से फिटिंग करना पड़ता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से इसे आराम से फिट कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से। इसमें लॉक होता है, लॉक कैसे फिटिंग करना है पूरी जानकारी आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगी। पहले मैं इसकी पन्नी जो है निकाल लेता हूँ यहाँ पे, और इसे फिटिंग कैसे करना है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो बताते हैं आप लोगों को कैसे फिटिंग करना है इसको। तो ये है, बिल्कुल न्यू इंडिकेटर है। अब इसको रखते हैं, पहले जो पुराना वाला लॉक है यहाँ पे, सिर्फ लॉक बचा हुआ है, बाकी रबर इसकी निकल गई। जो टूटा हुआ इंडिकेटर था वो निकल चुका है, मतलब पहले ही निकल गया था। तो इस लॉक को निकाल लेते हैं पहले, इसे आराम से हम यहाँ से निकाल लेते हैं पीछे साइड से बाहर। ये लॉक अगर खो गया तो फिर ये लॉक ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं। तो ये लॉक, अगर इंडिकेटर टूट भी जाए तो लॉक निकाल के रख ही लेना, क्योंकि बहुत मुश्किल से लॉक मिलता है। तो लॉक है इसके साथ में, और नए के साथ में लॉक नहीं आता है। नया इंडिकेटर लेने जाओगे लॉक नहीं मिलेगा, तो लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से वायर इसकी कटी हुई है, ये देखो, यहीं से, मतलब पहले किसी ने जोड़ा होगा तो यहीं पे हम इंडिकेटर की वायर जो निकाल देंगे और यहीं से जॉइन करके टेप मार देंगे इसमें, है ना, पूरा बढ़िया तरीके से। अब इसका इंडिकेटर बताता हूँ लॉक कैसे लगता है। इंडिकेटर लेते हैं और इसे खोल लेते हैं पहले यहाँ से ये, और इसका जो लॉक है लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे ये पीछे से लगेगा। पहले इंडिकेटर लगेगा, उसके बाद लॉक पीछे साइड से लगेगा, और ये कुछ इस तरीके से देखो, बस इसको दबाएंगे और ये बैठ जाएगा। ये देखो, ये बैठ जाएगा। अभी यहाँ पे आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, जब मैं लगा दूंगा, लगा के दिखाऊंगा आप लोगों को। पहले ये देखो, ये कुछ इस तरीके से बस बैठ जाता है और ये लॉक कर लेता है। ये घूमता नहीं है, आप लोग सोचो कि घूमता होगा अंदर जाके, नहीं, ये ऐसे ही बस अंदर जाके दब जाता। और इसमें से पहले बैठाते हैं इसको, वायर को। अब ये देखो, ये और ये कट, दोनों इसके सामने रख के बैठाना है। चलो बैठाते हैं इसको आराम आराम से, एक साइड का पहले बैठा लेंगे, उसके बाद दूसरा वाला स्क्रू ड्राइवर लेके हल्के हल्के से प्रेस करेंगे, अंदर की साइड में बैठ जाएगा। तो चलो, थोड़ा सा टफ है लेकिन बैठाने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को मैं बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक भाई ने कमेंट्स किया था, जिनका नाम है अभिषेक सिंह नाम है, उन्होंने कमेंट्स किया था कि आप डेली वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहे हो। तो डेली वीडियो ठंड की वजह से नहीं मैं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा, इतनी समय ठंड की वजह से वीडियो डेली बन नहीं पा रही, डेली अपलोड हो नहीं पा रही। बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आप लोग कमेंट्स करके बताना आप लोग कैसे हो। तो बाकी चलो, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को दोस्तों में अपने शेयर कर दिया करो। वीडियो आप लोग देखो। तो इंडिकेटर मेरा बैठ चुका है, इस साइड से भी लॉक नहीं लगाया। आप लोगों को पीछे साइड से पहले दिखा देता हूँ, यहाँ से पूरा बैठा हुआ है, ये देखो पूरा बैठ गया है। अब पीछे साइड से मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये देखो, लाइट जला के दिखाता हूँ। देखो, रबर इस साइड में कुछ इस तरीके से निकल जाती है और मरगार्ड में बैठ जाती है। ये उस साइड से ना बैठे, एक साइड का बैठा लेना, और उसके बाद इधर से स्क्रू ड्राइवर से बैठा देना, बैठ जाएगा आराम से। इसका ये रहा लॉक, बस लॉक को लगाना है। तो चलो, वायर के अंदर से पहले लॉक को लेते हैं और इसको लॉक को बैठा देते हैं। लॉक बैठ जाता है, इसमें भी थोड़ा सा बस बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। चलो, रबर बैठ गया, इंडिकेटर बैठ जाएगा, उसके बाद लॉक भी आराम से बैठा देना है। इसको लेके जाना है इतना, और इसको दबाना है अंदर की तरफ, दबाना है। चलो दबाते हैं इसे बैठा के, बहुत अच्छे तरीके से।
टाइट बैठेगा, दोनों साइड से दबाना है, दोनों अंगूठे की मदद से पकड़ के दबा दोगे बैठ जाएगा। चलो देखो बैठा रहा हूँ, बैठ नहीं रहा। अब क्या करूंगा, इसको डायर से इसे दबा दूंगा तो अंदर चला जाएगा। ये देखो, ये इसको मैं दबाता हूँ, बैठ जाए यार। ऊपर का बैठ गया, नीचे का बैठाना है, मतलब एक साइड से बैठ गया। ये देखो, ये भी बैठ गया, ये बैठ गया पूरा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठ गया, पूरा लॉक सेट हो गया। इंडिकेटर हो चुका है फिटिंग। अब इसकी जो वायर है, वायर को मैं जॉइंट कर लेता हूँ। चलो यहीं से काट के और इसे यहीं पे काटेंगे और यहीं से इन दोनों वायर में जॉइंट कर देंगे, सेम सेम कलर की वायर में। तो वायर जो है इसकी सेम सेम कलर की वायर जॉइन करना है। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो हरी वाली जो हरी में जोड़ देना और जो दूसरी वाली है ब्लैक वाली में जोड़ देना। अब इसमें टेप मार्किंग से कर देना है पैक। टेप का काम हमारा हो गया है। ये देखो टेप लग गया। अब इसको इस पट्टी में सारी वायर को एक साथ में लगा के और इस पट्टी में फंसा देंगे सारी वायर को, ये ताकि ये वायर नीचे ना आए। अब इसका इंडिकेटर हो चुका है फिटिंग। ये अब इसका जो इंडिकेटर चालू करना है, तो चलो देख लेते हैं चालू है या नहीं। इंडिकेटर प्रॉपर फिटिंग हो चुका है और इंडिकेटर चेक भी हो गया, कंप्लीट हो गया इंडिकेटर। तो इस बाइक में इंडिकेटर चेंज करना बहुत आसान नहीं है। पता है क्या दिक्कत क्या आती है? लॉक निकालने में और लॉक लगाने में। क्योंकि लॉक अगर टूट गया तो लॉक जल्दी मिलेगा नहीं, ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, लॉक नहीं मिलेगा जल्दी। तो आराम से लॉक को निकालना और आराम से लॉक को बिठाना इंडिकेटर में। बाकी अगर प्राइस चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करना, 10 कमेंट्स आ गए तो प्राइस मैं आप लोगों को बता दूंगा कितने का इंडिकेटर एक आता है। बाकी चलो ये वीडियो करते हैं एंड। वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।